बुंदेलखंड के पावन और धार्मिक क्षेत्र में विभिन्न अद्भुत स्थान हैं और इन स्थानों की अलग अलग विशेषताएं भी हैं। आज हमारी टीम जालौन के एक ऐसे ही मंदिर पहुंची जहां लोगों की आस्था 700 सालों से जुड़ी हुई है। कई पीढ़ियां गुजर गई लेकिन जालौन की ब्रिया सरकार के मंदिर पर आज भी लोगों की आस्था कम नहीं हुई है और आज हम अद्भुत बुंदेलखंड में आपको रूबरू कराने जा रहे हैं इस सिद्ध मंदिर से। जानकारों के मुताबिक यह मंदिर तकरीबन 700 साल पुराना है। लोगों की यह भी मान्यता है कि यहाँ आज भी सुबह शाम आरती के समय स्वयं देवादिदेव महादेव किसी न किसी रूप में यहाँ विराजमान होते हैं। बताया जाता है कि स्वयं प्रकट सर्वसिद्ध हनुमान मंदिर जहाँ पहले आसपास काफी घनी आबादी हुआ करती थी लेकिन सन 1934 में आई महामारी के बाद यह मजरा पूरी तरह वीरान हो गया था। महामारी के समय लोग यहां से पलायन कर गए जिसके बाद से यह क्षेत्र जंगल में तब्दील हो गया। बताया जाता है कि कभी इस मंदिर के समीप एक राजमहल हुआ करता था जहां अब अवशेष भी नहीं रह गए, रह गया है तो बस एक टीला। शहर से थोड़ा दूर होने की वजह से श्रद्धालु प्रतिदिन तो यहां नहीं आते लेकिन प्रति मंगलवार या किसी धार्मिक अवसर पर यहाँ श्रद्धालुओं की काफी भीड़ भगवान के दर्शनों को आती है। यहाँ भगवान बजरंगबली के साथ महादेव का शिवलिंग भी मौजूद है जिनमें लोगों की अटूट श्रद्धा है। अद्भुत बुंदेलखंड में आज हम आपको लेकर आए हैं जनपद जालौन के जालौन नगर के उत्तरी छोर पर स्थित श्री धाम बिरिया सरकार। हनुमान जी का वो पवित्र और सिद्ध स्थान, लगभग 700 वर्ष पुराना ये सिद्ध स्थान जनपद जालौन और नगर वासियों के लिए आस्था और भक्ति का एक प्रमुख केंद्र। बताते ये भी है कि यहाँ पर स्वयं भगवान शिव शंकर इन बिरिया सरकार हनुमान जी की पूजा करने प्रतिदिन आते हैं। हालांकि ये पूर्वजों से सुना गया है लेकिन जो आज भी यहाँ पुजारी मौजूद हैं उनसे बात हम जब हमने की तब भी उन्होंने यही बताया और भी लोगों से हमने बात की उन्होंने भी यही बताया कि स्वयं सिद्ध भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज इस बिरिया धाम में पूजन अर्चन करने के लिए आते हैं। किस रूप में आते हैं हालांकि देखा किसी ने नहीं है लेकिन आस्था भक्ति का संगम ये बिरिया सरकार। इस मंदिर के बारे में कहते हैं कि जो श्रद्धालु सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है उसकी हर मुराद पूरी हो जाती है। वहीं इस अलौकिक स्थान पर आकर मन को एक अनोखी शांति व सकारात्मक शक्ति का एहसास होता है। हमारी टीम ने मंदिर के पुजारी से भी बातचीत की जिन्होंने इस मंदिर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जी प्रणाम महाराज जी, हमें अभी बताइए ये बिरिया सरकार मंदिर लगभग कितने साल पुराना और क्या इनकी इनका इतिहास है? लगभग 700 वर्ष प्राचीन, इनको किसी ने यहाँ देखा नहीं है जी। ये स्वयं वो अपने आप में प्राकृतिक है जी। और इनका जितना बखान किया जाए वो बहुत कम है। अच्छा, हमने सुना है यहाँ पे भगवान भोलेनाथ की भी कुछ एक पदचिन्ह मिलते हैं या क्या है? हाँ, ये यानी स्वयं ये इनके दर्शन प्राप्त होते हैं जी। और आज भोलेनाथ जी है जी, तो ये दोनों कुछ समय पहले जी ये संध्या और सुबह की आरती में सम्मिलित हुई जी, ये हमने दर्शन प्राप्त किया। अच्छा, आपने स्वयं इस बात आप स्वयं इस बात का प्रमाण करते हैं कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ इनके दर्शन संध्या आरती में आते हैं जी। अब जब से ये विकास हो गया जी, लोगों का आवागमन बढ़ गया जी, दर्शन कम होने लगा जी, निरंतर बराबर 4 साल निरंतर आए। और ये राजा हरसिंह सिंह लोहिया वाले जी, इनके पूर्वजों के द्वारा ये जी, और जो इनके पूर्वजों के जो माँ थे जी, उनको उन्होंने स्वप्न दिया जी, और ये हिंदलास जी उन्हें प्राप्त हुए। ये हमारे महंत जी श्री नानक चंद मिश्रा जी इन्होंने बताया कि बिरिया धाम।
दोस्तों, आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। हम आपको लगातार इस तरह के अनोखे स्थानों पर लेकर जाते रहेंगे। नमस्कार।